फ्रेंड हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये डेल का लैपटॉप है और इसमें फैक्ट्री रीसेट ये हमें करना है इस वीडियो में। तो ये फैक्ट्री रीसेट जो है ये हमारा किसी कारण से पासवर्ड आप भूल जाते हैं या फिर कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो आप रीसेट करते हैं। तो डेल में कुछ शॉर्टकट तरीका होता है, तो शॉर्टकट तरीका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आप रीसेट ऑप्शन में कैसे जाते हैं। तो रीसेट ऑप्शन करने के लिए आपको जो कीबोर्ड देखिए, इसमें शिफ्ट की जो है ये आपको एक फिंगर से आपको प्रेस करके रखना होगा, और सेकंड में जो ऑप्शन होता है वो आपका राइट साइड में देखिएगा, आपको रीसेट स्लीप और शट डाउन का ऑप्शन जो आता है क्लिक करने पे। तो इसमें ऐसा है कि आपका रिस्टार्ट का जो ऑप्शन होता है वो हमें शिफ्ट बटन जो है वो लेकिन प्रेस करके कंटिन्यू रखना होगा, और यहाँ से रिस्टार्ट हम करेंगे। तो रिस्टार्ट करने से ये आपका रिस्टार्ट होगा और कंटिन्यू शिफ्ट हम प्रेस करके रखते हैं। उसके बाद रिस्टार्ट होने के बाद जो पेज खुलेगा तभी हम शिफ्ट बटन को छोड़ेंगे। तो ये पेज हमारा आ गया चूज एन ऑप्शन, यहाँ से हम शिफ्ट को छोड़ दिए, और ये नीचे का जो ट्रबल शूट ऑप्शन होता है ट्रबल शूट में हम जाएंगे। ट्रबल शूट में जाने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा रीसेट दिस पीसी एडवांस ऑप्शन, तो हमें रीसेट करना है। रीसेट में क्लिक करेंगे, यहाँ रीसेट करने के लिए ऑल फाइल बोला जा रहा है, रिमूव एवरीथिंग, तो हम नीचे का ऑप्शन जो है ये हम ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, और ये कुछ टाइम, मतलब रीसेट जब होता है तो कुछ टाइम लेता है, तो जब भी रीसेट करें टाइम लेकर ही करें, क्योंकि ये ओरिजिनल विंडोज़ जो टाइम लेगा ये आपका कम से कम रीसेट होने में 5 से 6, 6 से 7 घंटा तक लेगा। तो हम पहले का प्रोसेस आपको बताते हैं, मतलब रीसेट आप स्टार्टिंग में कैसे करेंगे। ये रीसेट दिस पीसी है, इसमें आपको दो ऑप्शन जो दिया जा रहा है ये नीचे का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा हमें रीसेट करना है। अगर आपको रीसेट नहीं करना है फाइल रख के आप रीसेट कर सकते हैं, मतलब आपको फाइल डिलीट नहीं करना है तो फाइल आप कीप द फाइल आप रख के ऑप्शन में क्लिक करके कर सकते हैं। हमें यहाँ पूरा का पूरा डिलीट करना है सारा का सारा फाइल, यहाँ पर फिर से ऑप्शन दिया जा रहा है ऑल फाइल करेंगे या फिर, तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा फाइल हमें डिलीट करना है, तो हम नीचे का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, और एवरीथिंग या फिर कोई ड्राइव मांगा जा रहा है तो हम एवरीथिंग पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए रीसेट दिस पीसी आपका चालू, मतलब हो गया है। इसमें ऐसा है कि रीसेट होने में बहुत टाइम लगता है, तो कभी भी रीसेट करें आप टाइम लेके करें, और चार्जर को हमेशा प्लग इन करके करें क्योंकि इसमें बैटरी भी बहुत आपका जाएगा। और ये आपका देखिए 1 से आपका 100 तक आपका होगा रीसेटिंग, उसके बाद आपका इंस्टॉलिंग होगा। तो इसमें धैर्य रख के काम कीजिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपका जैसे जैसे होगा उस तरह आपको फॉलो करना है। तो जैसे आप फॉर्मेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका फॉर्मेट का जैसा ही आपका आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे करके आप अपने लैपटॉप डेल का लैपटॉप को आप, मतलब रीसेट का प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।